नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसपोर्ट के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये हम आपको विशेष तौर से बताने जा रहे हैं। एक पूर्ण विकसित परिवहन व्यवस्था किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है। परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आते हमारे सड़क, रेल मार्ग, जल एवं वायु मार्ग परिवहन सभी आते हैं। सड़क मार्ग में आते हैं, जैसे हमारे इसके लिए विकास के लिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय नीतियों एवं कारकों को बनाने के लिए उत्तरदायी है। विश्व भर में भारत में सबसे बड़ी लंबी सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। अभी भारत में लगभग 33 लाख किलोमीटर सड़क हैं। भारत के सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क आते हैं। अब आपका आता है रेल मार्ग। यदि रेल यात्रा करते हैं, बाहर आना जाना है, तो उसके लिए हमारे रेल मार्ग का होना भी बहुत ज़रूरी है। यात्रियों और माल की ढुलाई के लिए भारतीय रेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के पास आने जाने में सुविधा मिलती है। इतना ही नहीं, ये कृषि और उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। रेल मार्ग हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारा आता है, दूसरा आता है परिवहन में जल मार्ग। जहाज रानी भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में होने वाले व्यापार के परिणाम के हिसाब से 90% और कीमत के हिसाब से 70% व्यापारिक गतिविधियां समुद्र मार्ग से होती हैं। विश्व के विकासशील देशों में भारत के पास सबसे बड़ा व्यापारिक जहाजी बेड़ा है। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं जो कि सीधे केंद्र की देखरेख में चलते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 200 छोटे बंदरगाह भी पाए जाते हैं। भारत में एक विकसित भूखंडीय जल परिवहन व्यवस्था भी है। इसके अंतर्गत लगभग 14,500 किलोमीटर चलित मार्ग राजमार्ग है। इसे नदी मार्ग, नहर मार्ग, झील मार्ग आदि शामिल हैं। अब आपका आता है संचार, आपके उसमें आता है वायु मार्ग। तो वायु परिवहन के व्यवस्थापक विकास और विस्तार के लिए नीतियों एवं योजनाओं को बनाने एवं लागू करने का उत्तरदायी नागरिक विमान मंत्रालय है। प्रारंभ में हवाई यात्रा बड़ी महंगी थी और ये आम आदमियों के पहुंच से दूर थी, लेकिन अब बहुत सी निजी एयरलाइंस होने के कारण भाड़ों की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी दरों में भी आम लोग के लिए हवाई यात्रा आसान एवं उनकी पहुंच में आ गई है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे जीवन में अब आप वायु मार्ग का होना बहुत अति आवश्यक है। अब आता है संचार। आज भारत की डाक व्यवस्था बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। अभी देश में करीब 1,55,00,000 डाकघर हैं। भारत में एक विशिष्ट टेलीकॉम आधारभूत संरचना विकसित है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस है। इसलिए नमस्कार। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद।